उधम सिंह नगर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जहां मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने केंद्र संचालक और स्टाफ को युवक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझाइश दी। वहीं मृतक की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कर नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर केस दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मृतक भुवन सुवाल को 6 जुलाई को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। एक जो है किच्छा के किसी पत्रकार महोदय का फोन आया था कि वहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें एक किसी की मृत्यु हो गई है, तो इसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि इसके लिए भी एक टीम गठित करके इंक्वायरी करें। इससे पूर्व भी हमें यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है करके किसी ने बताया नहीं था। हम लोगों ने आगे भी अभियान चला के नशा मुक्ति केंद्र बंद करे हैं और वहाँ के मरीजों को कहीं और शिफ्ट करा के उनका ट्रीटमेंट चलाना सुनिश्चित किया है। ये पुलकुट्टा थाना क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केंद्र है नई रोशनी के नाम से। तो सुबह यहाँ हमारे सरकारी अस्पताल में उसमें से एक लड़के को मृत अवस्था में लाया गया था, जिसका हमने पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।